और चलिए सीधे रुख करते हैं नोएडा का सीएम योगी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष की यशस्वी यात्रा के उपलब्धियों को लेकर के आयोजित गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी, प्रभारी मंत्री जनपद गौतम बुद्ध नगर श्री ब्रजेश सिंह जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण श्री पंकज सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, श्री लक्ष्मीराज सिंह जी, श्री श्रीचंद शर्मा जी, श्री नरेंद्र भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बुलंदसर डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, 9 वर्ष की उपलब्धियों के अवसर पर जनपद गौतम बुद्ध नगर वासियों को 1700 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर यहाँ के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों का हृदय से बधाई देते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम में आने के पूर्व मुझे 2 आयोजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आज ही के दिन 48 वर्ष पहले कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया था। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया था और उस समय जो आवाजें मुखर हुई थी, मीडिया जगत का एक प्रखर नाम था स्वर्गीय रामनाथ गोयनका जी का, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संस्थापक के नाम से आज एक मार्ग का लोकार्पण करने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उन लोकतंत्र सेनानियों की स्मृतियों को, जिनके कारण इतनी बड़ी संख्या में हम सब उपस्थित होकर के भारत के लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति करते हैं, उन सभी लोकतंत्र सेनानियों की स्मृतियों को नमन करने का एक अवसर यहां पे इस नामकरण के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उन ज्ञात अज्ञात सभी लोकतंत्र सेनानियों को स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता हूं। और भाइयों बहनों,
इसको विडंबना ही मानेंगे। आजादी के बाद देश के लोकतंत्र पर जब संकट आया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस समय के उन तमाम महान लोकतंत्र सेनानियों ने, उसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, स्वर्गीय लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, गैर कांग्रेसी सभी दलों के नेताओं ने एक मंच पर आकर के लोकतंत्र को बचाने का जो कार्यक्रम किया था उसमें सफलता प्राप्त हुई। लेकिन जेपी और लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज फिर से लोकतंत्र विरोधी अपने कृत्यों के लिए भारत के लोकतंत्र के इतिहास को काला अध्याय में बदलने वाले उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में निरंतर कुछ न कुछ दुष्चक्र करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जब भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के सच्ची नेतृत्व में वैश्विक मंच हो या फिर भारत के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण, इन सभी कार्यक्रमों को जब अच्छे रूप में भारत आगे लेकर के चल रहा है, ये यात्रा विकास की, समृद्धि की, खुशहाली की और वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा की अनवरत चलती रहे, इसके लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार की 9 वर्ष की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की उपलब्धियों को लेकर के आम जनमानस के बीच में हम जाकर के 2024 की तैयारियां कर सके, इसके लिए आज मैं आपके बीच में आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 1718 करोड़ की परियोजनाओं के पहले गौतम बुद्ध नगर पुलिस को अथॉरिटी की ओर से 56 चार पहिया वाहन पेट्रोलिंग के लिए उपलब्ध करवाए गए। अथॉरिटी के द्वारा अभी यहां पे हाई राइज बिल्डिंग के लिए फायर टेंडर भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। लगातार आज आप देख रहे होंगे अथॉरिटी का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में यहां पर सुदृढ़ हुआ है। पहले लोग दिल्ली में रहते थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आने में संकोच करते थे क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, वहां की सुविधाएं अच्छी थी, यहां खराब था, यहां के बारे में लोगों की धारणाएं खराब थी। लेकिन आज बदल चुकी स्थितियां 6 वर्ष के अंदर ही एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली से भी लोग आना चाहते हैं, देश से भी आना चाहते हैं, दुनिया से भी लोग आना चाहते हैं। पिछले दिनों हम आए थे, देश के बड़े डाटा सेंटर का हम लोगों ने यहाँ लोकार्पण किया था और आज देश के एक बड़े रोबोटिक सेंटर का भी उद्घाटन यहाँ पे इसके बाद कार्यक्रम में होने जा रहा है। ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश और गौतम बुद्ध नगर जनपद की तस्वीर हम सबके सामने है। भैया मैंने 17 के पहले मैं सोच रहा था, मेरे लगातार पिछले कुछ दिनों में कार्यक्रम थे, मैं बलरामपुर जिले में जो एस्पिरेशनल जिला है वहां गया था। अभी 3 दिन पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर, इन जनपदों में मैं गया था, बड़ी गर्मी थी। लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी, लेकिन